आज मैं देने वाली हूँ आपके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जैसे कि इस टाइप के स्विच बोर्ड सभी के घर में होते हैं, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड मैक्सिमम व्हाइट कलर में आते हैं और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इसको इस तरीके से साफ कैसे किया जाए कि ये बहुत ही जल्दी से क्लीन भी हो जाएं और एकदम नए जैसे बन जाएं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये स्विच बोर्ड साफ करने के बाद बिल्कुल नए जैसा हो गया है। इसके लिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, आई एम डैम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके बताइए जरूर कि ये आइडियाज आपको कैसे लगे। आप देख सकते हैं ये पुराने टाइम में जो स्विच बोर्ड चलते थे बहुत ज्यादा गंदे भी हो जाते हैं और देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मॉड्यूलर स्विच बोर्ड ना लगाकर इसको कैसे नया लुक दिया जाए वो भी इस वीडियो में शेयर किया है। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। दिवाली स्पेशल सीरीज चल रही है, मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गिव अवे कॉन्टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, रूल सभी फॉलो करें, वीडियोज को लाइक करना, शेयर करना इज मस्ट। आपको एटलीस्ट 4 to 5 ग्रुप्स में एक वीडियो को शेयर करना है 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। दोनों चैनल्स पर जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सभी को शेयर करना मस्ट है। जिनके स्क्रीनशॉट मेरे मेल आईडी पर आएंगे केवल मैं उन्हीं को चूज कर पाऊंगी। अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं और अभी तक कोई भी विनर नहीं है, तो मेक श्योर कि आप सभी रूल्स फॉलो करें तभी विनर्स हो पाएंगे। तो देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच बोर्ड बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो बस मैं केवल एक ही चीज यूज करूंगी, एक ही स्प्रे मैं यूज कर रही हूँ। कौन सा स्प्रे यूज कर रही हूँ अभी आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। स्प्रे करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर एक पुराना टूथब्रश यूज कर रही हूँ। उस पुराने टूथब्रश की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा रब कीजिए, केवल 1 या 2 मिनट लगेगा। और जब आप इसको इस तरीके से रब करेंगे तो आप देखेंगे इस पर जितना भी मैल जमा हुआ है वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने यूज किया है कॉलीन। कॉलीन बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग कर देता है और बहुत ही इजी होता है इसको क्लीन करना। फिर आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है जो भी पुराना हो और उससे बस इसको पोंछ दीजिए। नाउ जस्ट लुक एट दिस, हो गया ना बिल्कुल नए जैसा। इतना ही सिंपल है इस कॉलीन का यूज करके इन स्विच बोर्ड को क्लीन करना। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि पहले ये कितना ज्यादा गंदा था और अभी एकदम नए जैसा हो गया है। सेम वे हम इस स्विच बोर्ड को भी क्लीन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। इसको बिल्कुल नया जैसा बना देंगे, बस वही हमने कॉलीन यूज किया है और जितना भी नीचे इसका स्प्रे ग्रा था सबसे पहले तो उसको किसी एक कपड़े से क्लीन कर दीजिए ताकि आपकी वॉल पर कोई निशान ना पड़े। जब आप कॉलीन का यूज करते हैं तो आपको करंट वगैरह लगने का भी डर नहीं रहता है, तो आप बेझिझक होकर इसको यूज कर सकते हैं। टूथब्रश का यूज कीजिए, बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा क्योंकि आपका कोई बॉडी पार्ट इससे टच नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको टूथब्रश की हेल्प से इस तरीके से क्लीन किया है और अब जब मैं इस कॉलीन को इस पर लगा चुकी हूँ, तो 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था एंड 5 मिनट के बाद जब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, नाउ जस्ट लुक एट दिस, कैसे एकदम ऐसा हो गया जैसे कि बिल्कुल ही मैल इसका हमने हटा दिया है। कहाँ तो ये बिल्कुल काला था और अब ये बिल्कुल वाइट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और डिफरेंट लुक लेने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं कलरफुल टेप्स। ये टेप्स आपको मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं, केवल 5 रुपीज़ का एक टेप आता है और ये 5 रुपीज़ का टेप आप कम से कम तो 10 स्विच बोर्ड्स पर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही स्विच बोर्ड्स पर यूज़ कर सकते हैं। बट आप डिफरेंस देखिए कि आपका वो पुराना गंदा स्विच बोर्ड कैसे बिल्कुल नया जैसा हो जाता है, देखने में इतना सुंदर लगता है। और इसकी क्लीनिंग तो आपने देख ही ली है कितना ईजी था। अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपके स्विच बोर्ड्स गंदे हों केवल 2 मिनट दीजिए और 2 मिनट में आप देखेंगे कि आपका स्विच बोर्ड बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। और ये डिफरेंट आइडिया इन पुराने स्विच बोर्ड्स को नया लुक देने का आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। नाउ जस्ट लुक एट दिस, ये पुराना स्विच बोर्ड आप साइड में देख सकते हैं, कहाँ तो ये पुराना स्विच बोर्ड कितना बुरा लग रहा था और अभी एकदम नया जैसा हो गया है। इवन ये मॉड्यूलर स्विच बोर्ड से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइक कीजिए इस न्यू आइडिया के लिए। लाइकवाइज जो स्विच बोर्ड्स पहले मैंने आपको दिखाए थे वो इतने गंदे थे, इसमें आप देखते हैं कि जो रेगुलेटर्स होते हैं उन पर निशान पड़ जाते हैं। जैसे आपने पेंट करवाया तो उसके निशान पड़ गए। अगर आपके स्विच बोर्ड्स पर पेंट के निशान हैं या फिर कुछ और गंदे हाथों के निशान हैं, वो सब कुछ इस कॉलिन से ही क्लीन हो जाता है। बस आप कॉलिन को थोड़ा सा इस पर स्प्रे कीजिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, पुराने टूथब्रश की हेल्प से इसको रब कीजिए,
और उसके बाद फटाफट से कॉटन के कपड़े से इसको क्लीन कर दीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। नाउ जस्ट लुक एट दिस, हो गए ना बिल्कुल नए जैसे। तो इसी तरीके से आप इस वाले गंदे स्विच बोर्ड को भी क्लीन करके एकदम इस तरीके से नया जैसा बना सकते हैं। सो आई होप कि ये आज के दो न्यू आइडियाज आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको ये न्यू आइडिया पसंद आया तो प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको कितना अच्छा लगा और आपने भी अपने घर के स्विच बोर्ड को क्लीन किया या नहीं किया। जब इतना इजी है तब तो हर कोई क्लीन करना चाहेगा ना। तो इस तरीके के और भी न्यू आइडियाज देखने के लिए मेरे चैनल फील फ्री सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मिलेगा आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ना फील फ्री सॉल्यूशन। तो इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह शेयर कीजिए ताकि आप औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके के और कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।